वेलकम स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर द ब्राउनिंग वर्जन. फ्रैंक, यस मस्ट टू फार. फ्रैंक कहता है कि हाँ, तुम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए थे. टेपलव, सॉरी सर, आई गोट कैरिड अवे. टेपलव आगे से कहता है, क्षमा मांगते हुए कहता है कि मैं थोड़ा उत्तेजित हो गया था. फ्रैंक, एविडेंटली ही पिक्स अप ए न्यूज़ पेपर एंड ओपन्स अ टेपलव. फ्रैंक है वो एक न्यूज़पेपर लेता है और टेपलव को कहता है कि इसको खोले. टेपलव, यस सर. टेपलव कहता है हाँ सर. फ्रैंक, व्हाट वाज दैट क्रोकर हैरिस सेड टू यू. वो क्या बात थी जो आपको क्रोकर हैरिस ने कही थी. जस्ट रिपीट इट. वुड यू, क्या तुम उसको रिपीट करके मुझे बताना चाहोगे. टेपलव, इमिटेटिंग अगेन. इमिटेट करना होता है नकल करना. टेपलव उसको अपने टीचर की नकल करने की का प्रयास करता है. माय डियर टेपलो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व. और टेपलो आगे कहता है कि मेरे टीचर क्रोकर हैरिस ने यह कहा था मुझे कि मैंने आपको उतने मार्क्स दे दिए हैं जितने आप डिजर्व करते हो. नो लेस सर्टनली नो मोर, ना कम ना ज्यादा. फ्रैंक, लुकिंग सीवियर, वो थोड़ा सख्त होते हुए बोलता है, नॉट इन द लीस्ट लाइक हिम. आपने क्रोकर हैरिस की नकल वैसे नहीं किया जैसा वो करता है. रीड यूअर नाइस अकेलेस एंड बी क्वाइट. अब तुम अपनी ये अकेलेस बुक है इसको पढ़ना और शांत रहो. टेपलव विद डिसलाइक्स एस्किलिस, और वो थोड़ा बुक को पसंद ना करता हुआ बोलता है कि मैं इसको पसंद नहीं करता हूं. फ्रैंक, लुक व्हाट टाइम डिड मिस्टर क्रोकर हैरिस टेल यू टू बी हेयर. कितने बजे मिस्टर क्रोकर हैरिस ने आपको यहां पर बुलाया है. टेपलव, 6:30 सर, 6:30 बजे. फ्रैंक, वेल ही इज 10 मिनट लेट. वो 10 मिनट देर कर चुका है. वाई डोंट यू कट, तुम यहां से चले क्यों नहीं जाते. ओके, यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर लॉकअप. स्कूल बंद होने से पहले तुम अभी भी समय है और आप गोल्फ खेल सकते हो. टेपलव, रियली शॉक्ड. ओ नो, आई कुड नॉट कट. वो कहता है कि मैं बहुत ज्यादा इस बात को देख करके बड़ा ही हैरान हूं और मैं यहां पर से नहीं जा सकता. कट क्रोक, मुझे क्रोकर हैरिस है वो काट देगा. मिस क्रोकर हैरिस, आई शुड नॉट थिंक इट इज एवर बीन डन इन द होल टाइम ही हैज बीन हेयर. कहता है जब से मिस्टर क्रोकर हैरिस है ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसने कोई ऑर्डर दिया हो और हमने ना माना हो. गॉड नोज व्हाट वुड हैपन इफ ही डिड. भगवान जानता है क्या होगा अगर वो आ जाता है. ही वुड प्रोबेबली फॉलो मी होम और समथिंग. वो मेरे पीछे घर तक भी आ सकता है. फ्रैंक, आई मस्ट एडमिट आई इवन हिम द इफेक्ट ही सीम्स टू हैव ऑन यू बॉयज इन द फॉर्म. मैं जानता हूं कि तुम लोग हैं वो उससे कितनी नफरत करते हो. यू विल सीम स्केयर टू डेथ ऑफ हिम. तुम्हें मौत से उतना डर नहीं लगता होगा जितना क्रोकर हैरिस से लगता है. स्केयर टू होता है अफ्रेड ऑफ. What does he do? वो क्या करता है. Beat you all और something, क्या वो तुम्हें पीटता है या और कुछ. टेपलो, Good Lord, no. कहता है हे भगवान, ऐसा नहीं करता वो. He is not a sadist. वो एक ऐसा पर्सन नहीं है, ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको दूसरों को कष्ट देकर के मजा आता हो. Like one or two of the others, जैसा कि दूसरे दो तीन टीचर हैं हमारे. फ्रैंक, आई बेग यूर पार्डन. वो फ्रैंक कहता है कि मुझे आपकी बात सुनाई नहीं दी है. टेपलो, ए sadist. वो एक सैडिस्ट नहीं है सर. इज समवन हु गेट्स प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन. और वो कहता है कि वो एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको दूसरों को कष्ट देकर के आनंद आता हो. फ्रैंक, इनडीड, हाँ वास्तव में ऐसा नहीं है. बट आई थिंक यू वेंट ऑन टू से दैट सम अदर्स मास्टर. लेकिन तुम कहना ये चाहते हो कि कुछ दूसरे लोग हैं जिन्हें बच्चों को पीड़ा देकर के कष्ट आता होगा. कुछ ऐसे टीचर हैं आपके स्कूल के अंदर. टेपलो, वेल ऑफ कोर्स दे आर सर. हाँ ऐसा है हमारे स्कूल के अंदर. आई वॉन्ट मेंशन नेम्स, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूंगा. बट यू नो देम एज वेल एज आई डू. मेरी तरह तुम भी उनके नाम तो जानते हो. ऑफ कोर्स आई नो मोस्ट मास्टर थिंक वी बॉयज डोंट अंडरस्टैंड ए थिंग. ज्यादातर टीचर बच्चों के बारे में ये सोचते हैं कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आता. बट सर यू आर डिफरेंट. लेकिन तुम अलग हो. यू आर यंग, तुम एक यू आर टीचर हो. वेल कंपेरेटिवली एनी वे यू आर साइंस, तुम बहुत अच्छी साइंस पढ़ाते हो. यू मस्ट नो वट सैडिज्म इज. और आपको पता है कि सैडिज्म है वो क्या होता है. और सैडिज्म का मतलब होता है कि
एक प्रकार से ऐसा व्यक्ति जो अपने बारे में अपनी प्रशंसा को सुनना चाहता हो। फ्रैंक, आफ्टर ए पॉज, थोड़ा रुकने के बाद, गुड लॉर्ड व्हाट आर अवर स्कूल कमिंग टू। और फ्रैंक कहता है कि हमारे स्कूलों में ये क्या होने जा रहा है, मैं क्या देख रहा हूँ। टैपलव, एनी वे द क्रोकर हैरिस इज नॉट ए सैडिस्ट। वो कहता है कि ठीक है, क्रोकर हैरिस है वो एक सैडिस्ट व्यक्ति नहीं है जिसको दूसरों को पीड़ा देकर के आनंद आता हो। दैट इज वट आई एम सेइंग, और ये बात मैं कह रहा हूँ। ही वुड नॉट बी सो फ्राइटनिंग इफ ही वर, बिकॉज एटलीस्ट इट वुड शो ही हैड कम, ही हैड सम फीलिंग। ठीक है, उसके अंदर भी फीलिंग है, ठीक है, बट ही हैज नॉट, लेकिन उसके अंदर वास्तव में फीलिंग्स नहीं है। ही इज ऑल शिवर्ड अप इनसाइड लाइक ए नट एंड ही सीम्स टू हेट पीपल टू लाइक हिम। वो अंदर से एक सिकुड़ा हुआ व्यक्ति है, जैसे कि ड्राई फ्रूट होते हैं, और वो सोचता है कि लोग मेरे से नफरत करते हैं। इट इज फनी, ये बात फनी नहीं लगती देखने में, दैट आई डोंट नो एनी अदर मास्टर हु डज नॉट लाइक बींग, हु डज नॉट लाइक बींग लाइक्ड। ठीक है, यह अजीब बात है, यह कोई दूसरा अध्यापक नहीं है जिसे पसंद किया जाना पसंद ना हो। नेक्स्ट पेज, फ्रैंक, एंड आई डोंट नो एनी बॉय हु डज नॉट यूज दैट फॉर हिज ओन पर्पस। और मुझे कोई ऐसा लड़का पता नहीं है जो इस बात को अपने मनोरथ के लिए इस्तेमाल ना करता हो। टैपलव, वेल इट इज नेचुरल सर, ये बात बिल्कुल नेचुरल होती है, बट नॉट विद द क्रोकर, लेकिन क्रोकर हैरिस के साथ ये नहीं होता। फ्रैंक, मिस्टर क्रोकर हैरिस, मिस्टर क्रोकर हैरिस के साथ। टैपलव, मिस्टर क्रोकर हैरिस, हाँ मिस्टर क्रोकर हैरिस के साथ। द फनी थिंग इज दैट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग आई डू रादर लाइक हिम। कहता है जो भी बात हो लेकिन मैं क्रोकर हैरिस को बहुत पसंद करता हूँ। आई कैन नॉट हेल्प इट, और मैं उसको पसंद किए बिना रह नहीं सकता। एंड सम टाइम आई थिंक ही सीज इट एंड दैट सीम्स टू शिवर हिम अप इवन मोर। और कई बार मेरे विचार में वह इस बात को समझ जाते हैं और मैं इस में यह और भी सुकुड़ जाते हैं। फ्रैंक, आई एम श्योर यू आर एग्जरेटिंग, मुझे पता है कि आप बात को बढ़ा चढ़ा करके कह रहे हो। टैपलव, नो सर आई एम नॉट, नहीं मैं ऐसा नहीं कर रहा। इनफॉर्म द अदर डे ही मेड वन ऑफ हिज क्लासिकल जॉक्स, हमारी कक्षा के अंदर पहले उसने, फॉर्म का मतलब यहाँ पर है क्लास, उसने एक जोक सुनाया था। ऑफ कोर्स एवरीबॉडी लाफ्ड बिकॉज नोबडी अंडरस्टूड इट, सब बच्चे उसके जोक के ऊपर हंस पड़ते हैं, लेकिन वास्तव में वो जोक किसी को समझ नहीं आया था, माई सेल्फ इंक्लूडेड, मैं भी उसमें ऐसा था जो हंसा था, लेकिन मुझे जोक समझ में नहीं आया। स्टिल आई न्यू ही हैड मेंट इट एज फनी, फिर भी मैं मानता हूँ कि उसने जो जोक सुनाया था वो हंसाने वाला था। सो आई लाफ, इसलिए मैं हंस पड़ा, आउट ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन पोलाइटनेस, क्योंकि मैं पोलाइटनेस दिखाना चाहता था अपने टीचर के प्रति। एंड फीलिंग ए बिट सॉरी फॉर हिम फॉर हैविंग मेड ए पुअर जोक, और मैं जानता था कि हमारा टीचर हमें जोक सुना करके हंसाना चाहता था, लेकिन वो जोक को अच्छी प्रकार से नहीं सुना पाया, इस कारण मैं हंस दिया। नाउ आई कैन नॉट रिमेम्बर वट द जोक वॉज, अब मुझे जोक के बारे में तो याद नहीं है, बट सपोज आई मेड इट, अगर मुझे जोक याद आ जाता है, नाउ यू लाफ सर, ठीक है, और अगर मैं आपको सुनाता हूँ तो आप उसके ऊपर जरूर हंसोगे। फ्रैंक लाफ्स, और फ्रैंक है वो उस पर हंसता है। टैपलव, इन ए जेंटल थॉर्टी वॉइस, वो थोड़ी भारी आवाज में बोलता है, टैपलव यू लाफ्ड एट माई लिटल जोक, तुम मेरे जोक के ऊपर हंसते हो। आई नोटिस, मैंने देखा। आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम प्लीज्ड एट द एडवांस यूअर लैटिन हैज मेड, मुझे खुशी है कि आपने लैटिन भाषा है वो अच्छी तरह से सीख ली है। सिंस यू सो रेडली हैव अंडरस्टूड बट द रेस्ट ऑफ द फॉर्म डिड नॉट, और बाकी बच्चे हैं वो इस भाषा को, लैटिन भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आप अच्छी तरह से समझ पा रहे हो। परहैप्स नाउ यू वुड बी गुड एनफ टू एक्सप्लेन इट टू देम, तुम ये जोक उनको अच्छी प्रकार से समझा सकते हो, सो दे टू कैन शेयर यूअर प्लेजर, और वो तुम्हारे जोक सुनाने की खुशी को शेयर कर सकते हैं। द डोर अप राइट इज पुश्ड ओपन एंड मिली क्रोकर हैरिस एंटर्स, इसी दौरान जो दरवाजा है वो खुलता है, ठीक है,
और मिसिस क्रोकर हैरी से वो आ जाती है। शी इज ए थिन वीमेन इन हर लेट 30s, वो एक पतली सी औरत है जिसकी उम्र लगभग 35-36 साल की है। रादर मोर स्मार्टली ड्रेस्ड देन द जनरल फॉर्म ऑफ स्कूल मास्टर्स, और जिस प्रकार से स्कूल मास्टर्स ड्रेस पहनते हैं वो उनसे अच्छी तरह से ड्रेस है वो पहनी हुई है, स्कूल मास्टर्स वाइफ। ठीक है, शी इज वीरिंग ए कैप, उसने एक कोट पहना हुआ है, एंड कैरीज ए शॉपिंग बास्केट, और उसने एक बास्केट पहनी हुई उठाई हुई है। शी क्लोजेज द डोर, वो दरवाजा बंद करती है, एंड देन स्टैंड बाय द स्क्रीन वॉज टेपलो एंड फ्रैंक, और वो टेपलो और फ्रैंक के पास है वो खड़ी हो जाती है। इट इज़ ए फ्यू सेकेंड बिफोर दे नोटिस हर, और वो वहाँ खड़ी हो जाती है और उन्होंने टेपलो और मिस्टर फ्रैंक ने अभी तक उनको उसको देखा नहीं है। फ्रैंक कम अलॉन्ग, टेपलो मूव स्लोली अबाउ दी डेस्क, और वो कहता है कि फ्रैंक कहता है कि टेपलो मेरे साथ आओ, और डोंट बी सो सेल्फिश एज टू कीप ए गुड जॉक टू यूर सेल्फ, इतने स्वार्थी मत बनो कि अगर आपको जोक आता है तो आप किसी को सुनाओ ही ना, टेल दी अदर्स, दूसरों को भी बताना। ही ब्रेक्स ऑफ सडनली नोटिसिंग मिली, और इसी दौरान फ्रैंक है वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है, जैसे ही वो मिली को देखता है, ओ लॉर्ड, और वो कहता है हे भगवान। फ्रैंक टर्न्स क्विकली, फ्रैंक है वो उसकी तरफ मुड़ता है, एंड सीम्स इनडेफिनेटली रिलीव्ड एट सीइंग मिली, और वो मिली को देख करके थोड़ा उसको राहत मिलती है। फ्रैंक ओ हेलो, और फ्रैंक कहता है हेलो मिली विदाउट एक्सप्रेशन, उसके ऊपर कोई हाव भाव नहीं आते। हेलो, शी कम्स डाउन टू साइड बोर्ड एंड पुट्स हर बास्केट ऑन इट, वो साइड बोर्ड दीवार के पास जाती है और अपनी टोकरी वहां पर रख देती है। टेपलो लुकिंग अप टू लेफ्ट ऑफ फ्रैंक विस्परिंग फ्रेंटिकली, टेपलो है वो फ्रैंक टेपलो मिली को देख करके घबरा जाता है। डू यू थिंक शी हर्ड, और वो कहता है कि फ्रैंक से पूछता है कि क्या मिसिज मिली ने उनकी बातें सुन ली हैं। फ्रैंक शेक्स हिज हेड कन्फ्रंटिंगली, और वो अपना सिर हिलाता है। मिली टेक्स हर कैप, वो अपना कोट उतारती है एंड हैंग्स इट ऑन दी होल स्टैंड, और उसको वहां पर टांग देती है। आई थिंक शी डिड, और वो फ्रैंक कहता है कि शायद इसने हमारी बातें सुन ली है। शी वॉज स्टैंडिंग देयर क्वाइट ए टाइम, और वो काफी समय से वहां खड़ी थी। टेपलो इफ शी डिड एंड शी टेल्स हिम देयर गोज माई रिमूव, और कहता है टेपलो कहता है कि अगर उसने मेरी बात को सुन लिया है और वो बातें मिस्टर क्रोकर हैरिस को बता देती है तो फिर मेरा अगले क्लास के अंदर जाना है, मेरी जो प्रमोशन है अगली क्लास के अंदर वो तो चली जाएगी, मेरे को वो प्रमोशन है वो नहीं मिल पाएगी, यहाँ पर ही मैं वो क्रोकर हैरिस के लिए आ रहा है। फ्रैंक नॉन सेंस, फ्रैंक कहता है सब बकवास। ही क्रॉसिस टू द फायर प्लेस, और वो जहाँ आग जल रही होती है वहां पर चला जाता है। मिली टेक्स द बास्केट फ्रॉम द साइड बोर्ड, मिली है वो दीवार से जो टोकरी है वो उठा लेती है। मूव्स अबव द टेबल एंड पुट्स द बास्केट ऑन इट, और वो टेबल के पास आती है और वहां पर अपनी टोकरी रख देती है। मिली टू टेपलो, वो टेपलो को कहती है वेटिंग फॉर माई हस्बैंड, क्या तुम मेरे हस्बैंड का इंतजार कर रहे हो। टेपलो मूविंग डाउन लेफ्ट ऑफ द टेबल, और वो टेबल की तरफ आता है। ये यस, और वो कहता है हाँ। मिली ही इज एट द बार्सर्स, वो बार्सर्स जो है जो कि अकाउंटेंट होता है एक प्रकार का, हिसाब किताब रखने वाला व्यक्ति होता है, उसकी उसके पास गया हुआ है। एंड माइट बी देयर क्वाइट ए टाइम, और उसको वहां से आने में टाइम लग सकता है। इफ आई वर यू वुड गो, और अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं यहां से चली जाती। टेपलो डाउटफुली, उसको थोड़ा संदेशा होता है। ही सैड मोस्ट पर्टिकुलर आई वॉज टू कम, और वो कहता है कि उसने तो टेपलो वो कहता है कि मिस्टर क्रोकर हैरिस ने तो मुझे खास तौर पर बुलाया था। मिली वेल ठीक है, वाई डोंट यू रन अवे फॉर ए क्वार्टर ऑफ एन आवर, तुम 15-20 मिनट के लिए यहाँ से चले क्यों नहीं जाते, एंड कम बैक, फिर वापस चले आ जाना। शी अनपैक्स समथिंग फ्रॉम द बास्केट, और इसी दौरान वो टोकरी के अंदर जो चीजें रखी हुई थी उसमें से कुछ उठाती है। टेपलो सपोजिंग ही गेट्स हेयर बिफोर मी, और वो सपोज करो क्रोकर हैरिस मेरे आने से पहले ही आ जाता है तो। मिली स्माइलिंगली, I shall take the blame, मैं सारा blame अपने ऊपर ले लूंगी। She takes a prescription out of the basket, और वो अपनी टोकरी से एक जो prescription है, एक नुस्खा लिखा हुआ है वो निकालती है। I tell you what you can do a job for me, मेरे को आपको मेरा एक काम करना होगा। Take this prescription to the chemist, आपने मेडिकल हॉल पर जाना है, दवाइयों वाली दुकान पे ऊपर जाना है और ये दवाई है वो लेके आनी है। And get it
मेड अप और ये मेरे लिए लेके आनी है टेपलो। ऑल राइट, वो कहता है ठीक है मिसिस क्रोकर हैरिस, ठीक है मिसिस क्रोकर हैरिस। ही क्रोसिस टुवर्ड्स द डोर अप राइट, और वो दरवाजे की तरफ मेडिसिन लेने के लिए चला जाता है। तो स्टूडेंट दिस इज योर प्ले, ओके आई हैव एक्सप्लेन्ड इट वर्ड बाय वर्ड, ओके बट दिस इज नॉट द फुल प्ले, ओके इफ यू वांट टू रीड द फुल प्ले, ओके यू कैन सर्च इट आउट फ्रॉम गूगल एंड यू कैन रीड द फुल प्ले, ओके इन द नेक्स्ट वीडियो आई शैल ट्राई टू डू सम क्वेश्चन आंसर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बेस्ड ऑन दिस प्ले। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी एंड हैव अ नाइस डे।